लक्ष्मी और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक अजिंक्य कड़म्बे, अध्यक्ष नागपुर शहर आम आदमी पार्टी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने आज पत्रकारों से संवाद साधते हुए दसरा सम्मेलन में उद्धव ठाकरे के भाषण को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के पास किसी तरह का विजन नहीं है, उनके पार्टी के लोग उन्हें छोड़कर चले गए। एक साल के मुख्यमंत्री पद के लिए ठाकरे ने पार्टी बर्बाद की है। उद्धव ठाकरे इंडिया आघाड़ी के साथ गए हैं, इसलिए वे शरद पवार और कांग्रेस के वकील हैं। साथ ही बावनकुए बोले कि शरद पवार के साथ जाकर उद्धव ठाकरे बिगड़ गए हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी को कोई विजन तो है नहीं, ना डेवलपमेंट का विजन है ना राजनीति का विजन है। अगर राजनीति का विजन होता तो शिवसेना भाजपा का मैंडेट मिला हुआ सरकार वो छोड़ के शरद पवार जी के पास जाके नहीं बैठते। 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के लिए सारे पार्टी दाव पे लगा दी, सारे विचार दाव पे लगा दिए और आज ये स्थिति बनी हुई है। उनके पार्टी के लोग छोड़ के चले गए। पवार साहब ने भी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए करके जिस प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र किया, आखिर क्या हुआ? षड्यंत्र के शिकार खुद हो गए। आखिर भगवान है ना, वो साक्षात है, जो बेईमानी करता उसको तो सजा दिलाता ही है। तो नेचुरली ये निर्णय महाराष्ट्र में हो गए। देखिए आज क्या हुआ, आज शरद पवार साहब को अपनी पार्टी देखनी पड़ रही, कहा है उद्धव ठाकरे ढूंढ रहे, हमारी पार्टी कहाँ गई है? और आज ये स्थिति बनी है कि रोज एकनाथ शिंदे जी की तरफ लोग जा रहे हैं, रोज अजीत दादा की तरफ लोग जा रहे हैं और हमारे पास पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग रोज आ रहे हैं कि भाई भाजपा में हमको लो। तो हालत ये खराब है कि उद्धव ठाकरे ने जी ने कल मोदी जी के ऊपर, हमारे पार्टी के ऊपर और संघ के ऊपर, जो उद्धव ठाकरे जी 40 साल संघ की भाषा करते हुए, संघ ही नहीं देश बचाया, संघ नहीं हमारे संस्कार बचाए, संघ नहीं होता तो देश में क्या स्थिति होती। सारे भाषण में आपको दूंगा उद्धव ठाकरे के, सारे रील आपको दूंगा। अब वो शरद पवार जी के सहवास में इतना बिगड़ गए और वो कांग्रेस की राहुल गांधी के सहवास में आने के बाद सारा हिंदुत्व छोड़ दिया। मेरा स्पष्ट आपके सामने एक उद्धव ठाकरे को आज भी सवाल है, उदयनिधि स्टालिन के बारे में आपने कल क्यों नहीं बोला? मैंने आपको 12 बार सवाल किया था मीडिया के माध्यम से कि दसरा मेड़ावा में आप अपनी भूमिका जाहिर करें। उदयनिधि स्टालिन कहते हैं, जो उद्धव ठाकरे के साहब की युति में है वो कहते हैं कि हम जब सरकार में आएंगे हम मोदी जी को हराएंगे, हमारी सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद हम हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे और उनके साथ उद्धव ठाकरे की युति है। उद्धव जी, आपने दसरा मेला में कुछ क्यों इसका स्पष्टीकरण नहीं किया? कल आपने ये भाषा क्यों नहीं की वहां पर? इसका मतलब हिंदू सनातन धर्म संस्कृति को नष्ट करने वाली उदयनिधि स्टालिन, इनके विचार आपको मान्य है? ये पूरा महाराष्ट्र ने कल देख लिया है, अब महाराष्ट्र आपको नहीं छोड़ेगा।